हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सिक्स हिंदी मीडियम साइंस की क्लास, आपका बेटा यूनिट टेस्ट होने वाला है। यूनिट टेस्ट के अंदर मैंने सिलेबस आपका बता दिया है। पार्ट चार, पाँच और छः आएगा। पार्ट चार और पाँच और छः आपका जो है, एक एक करके मैं रिवाइज आपके कराऊंगी, जिसके अंदर आपको पहले आपको पार्ट चार का रिवाइज करा रही हूँ। वस्तुओं के समूह बनाना इस पार्ट का नाम है। इसमें वस्तुओं के समूह बनाना, तो एक बार देख लीजिए। आप इसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस तो कर लीजिएगा। अभ्यास प्रश्न आपने सभी के करवा रखे हैं मैंने। अभ्यास प्रश्न की तैयारी कर लीजिएगा। बाकी बेटा वीडियोस के अंदर मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके मैक्सिमम पॉइंट पहुँच जाएं जितना रिवाइज के अंदर है। वस्तुओं के समूह बनाने में आपका ये पार्ट चार है। इसके अंदर वस्तु जैसे आपके जो समूह बनाए जाते हैं उसका आधार होता है, एक तो होता है एक ही प्रकार के पदार्थ से निर्मित, और एक होता है विभिन्न पदार्थों से निर्मित। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं विभिन्न पदार्थों से निर्मित, तो एक ही पदार्थों से निर्मित और विभिन्न पदार्थों से निर्मित। अब एक ही तरह के पदार्थों से निर्मित क्या होते हैं यानी वस्तु, जैसे आप बात कर सकते हैं कि प्लास्टिक है आपका जैसे एक वस्तु, तो प्लास्टिक आपकी जो है वस्तु, प्लास्टिक आपका पदार्थ है, आज प्लास्टिक तो आपका पदार्थ है और यह आपका एक ही पदार्थ है, पर इससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बने, जैसे कुर्सी, मेज है ना, या फिर खिलौने और जूते, ठीक है। इसी तरह से विभिन्न पदार्थों की बात करें आप, तो विभिन्न पदार्थों से निर्मित, जैसे अब आपका मान लीजिए इसमें आपका वस्तु एक है कुर्सी, लेकिन वो बनी जो है विभिन्न प्रकार के पदार्थों से, तो पदार्थ उसके विभिन्न हैं। जैसे मान लीजिए बना प्लास्टिक से भी कुर्सी है, प्लास्टिक से भी है, आप लकड़ी भी कह सकते हैं, ठीक है, और इस तरह से आप बोल सकते हैं किसी अन्य धातु की भी बनी हो सकती है, ठीक है। तो एक तो लकड़ी, प्लास्टिक यानी किसी धातु की, तो इस तरीके से आपके तीन पदार्थों से निर्मित एक ही आपका यानी वस्तु बन गई। तो इस तरीके से आप समझा सकते हैं। इसमें और भी चीज़ें हैं वस्तुओं के समूह बनाने में, एक तो हो गया एक पदार्थ और विभिन्न पदार्थ, फिर आपका आता है कि किसने तरीके से आप पदार्थों की गुणधर्मों को समझा सकते हैं, तो पदार्थों के गुण नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेटा, पदार्थों के गुण। तो ये समझ में आ गया होगा फर्स्ट टॉपिक, एक ही पदार्थ से बना या विभिन्न पदार्थों से निर्मित, तो इस तरीके से आप इसको समझा सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पदार्थों के गुण। अब पदार्थों के गुण की बात करें अगर, तो देखिए पदार्थों के गुण में क्या आता है, पदार्थों के गुण में आपका क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है ये देख लीजिए। एक आपका है दिखावट, दूसरा आपका है दिखावट यानी देखना किस तरह से दिखाई देता है, दूसरा आपका है कठोरता, तीसरा आपका है विलेयता, और फिर आपका है विलेयता के बाद
इसमें तैरना तैरना। पांचवा आपका पॉइंट है पारदर्शिता पारदर्शिता पारदर्शिता, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं अपने पॉइंट को। तो ये आपका इतना पॉइंट है। तो आप देख लीजिए बेटा एक बार सभी ध्यान से कि आपने पहले क्या पढ़ा। इसमें इसमें आपको पहले पढ़ाया मैंने एक ही पदार्थ से निर्मित, और फिर आपने देखा विभिन्न पदार्थों से निर्मित एक ही वस्तु। जो एक ही पदार्थ से निर्मित होगी वो विभिन्न वस्तुएं होंगी, और जो आपकी एक वस्तु होगी वो विभिन्न पदार्थों से निर्मित होगी। दोनों चीज़ें मैंने समझा दी। सेकेंड टॉपिक है आपका पदार्थों के गुण, जिसके अंदर है आपका दिखावट, देखने में कैसी होती है वस्तु। तो आप इसमें बता सकते हैं धातु होती है वस्तु में या अधातु, ठीक है। धातु के अंदर अधिकतर ठोस आता है और अधातु के अंदर आपका द्रव और गैस दोनों आता है। तो ये आप बता सकते हैं, ये दिखावट देखने में वस्तु कैसी है, तो वो धातु है, कोई धातु की बनी है यानी ठोस है, या वो वस्तु द्रवित अवस्था में है या वो वस्तु गैसीय अवस्था में है, ठीक है। तो ये आपका दिखावट पदार्थ के गुण में पहला आपका पॉइंट है दिखावट। कठोरता की बात करें तो इसमें एक हो गया कोमल पॉइंट, दूसरा हो गया आपका इसमें एक हो गया कोमल दूसरा कठोर। तो ये तो आपका साफ ही है कि कोई वस्तुएं इतनी कोमल होती हैं छूने पर मुलायम लगती हैं तो वो कोमल हो गई, और जो छूने पे कठोर लगती हैं वो कठोर हो गई, जो छूने पे कड़ी लगती हैं। विलयता की बात करें तो विलयता में आप बता सकते हैं कि विलय होगा पदार्थ या अविलय होगा। अगर कोई भी पदार्थ पानी में या किसी द्रव में आपका घुल जाए तो वह विलय कहलाएगा, और पानी या द्रव में नहीं घुले तो वह अविलय कहलाएगा। इसी तरह से तैरने की बात करें तो तैरना में आपका आ जाएगा कि डूबना या तैरना, दो पॉइंट आएंगे। तो जो वस्तु आपके पानी के भार से अधिक उसका भार होगा वस्तु का, वो तो डूब जाएगी, और जिस वस्तु का भार पानी के भार से हल्का होगा वो तैरती रहेगी। पारदर्शिता के अंदर अगर देखा जाए तो तीन पॉइंट हैं। इसमें आता है पारदर्शी अपारदर्शी अपारदर्शी पारदर्शी अपारदर्शी और पारभाषी, ये पॉइंट आएगा। तो पारदर्शी के अंदर ऐसी वस्तुएं जो कि जिनके आर पार हम देख सकें तो उन्हें हम बोलते हैं पारदर्शी वस्तुएं, जिनके आर पार हम नहीं देख सकते उन्हें हम कहते हैं अपारदर्शी, और जिनसे हमें कुछ कुछ दिखाई देता है और कुछ कुछ नहीं आंशिक रूप से जैसे दिखाई दे उन्हें हम बोलते हैं पारभाषी। तो इस तरीके से आप ये तीनों की क्वालिटीज़ को बता सकते हैं। तो आपने देखा बेटा कि इस पाठ के अंदर दो पॉइंट पर अपना फोकस है, दो पॉइंट आपके हैं। एक पॉइंट तो आपका है पहला वाला एक ही पदार्थ, दूसरा है विभिन्न पदार्थों से निर्मित, दूसरा आपका है पदार्थों के गुण, जिसके अंदर ये पांच पॉइंट हैं, और आपका पाठ चार कंप्लीट हो जाएगा। देन अगले वीडियो में मैं पाठ पाँच की चर्चा करूँगी। तो रिविज़न आपका पाठ चार कम्प्लीट हुआ इन पाँच पॉइंट पर। पहला पॉइंट दिखावट, दिखावट में आपको बताना है पदार्थ या तो धातु होंगे या अधातु होंगे। धातु का मतलब ठोस, अधातु का मतलब द्रव या गैस। कठोरता के अंदर आपको बताना है पदार्थ कोमल होते हैं या कठोर होते हैं, छूने पर आपको कैसे लगते हैं। विलयता की बात करें तो आप बताएंगे कि पदार्थ जो है किसी भी द्रवित अवस्था में कोई भी ठोस पदार्थ विलय है या अविलय है, या घुल जा रहा है पूरी तरह से या नहीं घुल रहा है।
फिर पदार्थ का तैरने वाले गुण में आप बताएंगे, अगर पदार्थ का भार पानी के भार से जो है अधिक हो जाता है तो वो वस्तु पानी में डूब जाएगी, और अगर कम रह जाता है भार तो पानी के ऊपर तैरेगी। पारदर्शिता, इसके अंदर तीन पॉइंट आएंगे, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। पारदर्शी जैसे कांच जिसके आर पार दिखाई दे, ऐसे पदार्थ आएंगे। अपारदर्शी जिसके आर पार बिल्कुल नहीं दिखाई दे, वो पदार्थ आएंगे, जैसे लकड़ी है ना, ये सारी चीज़ें आपका लकड़ी है, और एक तरीके से आप कह सकते हो कोई भी ठोस और भी कोई भी चीज़ ले सकते हो जिसके आर पार बिल्कुल नहीं दिखाई देता, वो आप इसके अंदर उदाहरण ले सकते हैं, जिसमें हमें बिल्कुल अलग नहीं दिखाई देगा, लकड़ी या लकड़ी के आर पार बिल्कुल नहीं देख सकते, कोई भी प्लास्टिक है मोटी तो उसके आर पार नहीं देख सकते। पारभासी, जिसके आर पार थोड़ा बहुत दिखाई दे, थोड़ा बहुत नहीं दिखाई दे, वो पारभासी। तो इस तरीके से आप अपनी बात को समझा सकते हैं कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी में क्या अंतर है। तो बेटा, आपका इस वीडियो के अंदर मैंने ये पार्ट 4 का रिवीजन करा दिया, अब पार्ट 5 आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिवाइज करवाऊंगी। ओके, बाय।